Good morning, students. Now we are going to study about the chapter Taro's Reward. Remaining chapter, there will be remaining 3 to 4 para. 18 August 2020. Taro's Rewards chapter study करने वाले हम लोग. इसमें कुछ हमारे पास कुछ पैरा जो है वो भी बचे हुए हैं. हमने इसकी स्टोरी को काफ़ी हद तक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है और बड़ा आनंद प्रदान करने वाला चैप्टर है. बड़ी मिस्टीरियस स्टोरी है कि वास्तव में क्या होने वाला है, और एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे कि हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की डिजायर्स को फुलफिल करना चाहिए. इस तरह की इसमें अपने पिता की और माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए किस प्रकार से तारो बहुत जल्दी उठता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है. तो गोल्ड ने भी उसकी सुनी और उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो इतनी मेहनत करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मनी है वो कलेक्ट नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, अर्न नहीं कर पाता है. फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने हमेशा यही विचार रखा कि मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसे कमाऊंगा और मेरे माता पिता की हर इच्छा की पूर्ति करूंगा. और इसके लिए रात दिन उन्होंने मेहनत करी, जंगल में लकड़ियां काटी, लकड़ियों को बेच करके उन्होंने पैसा कमाना प्रारंभ किया. लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता था कि उसकी हर डिजायर को पूरी कर सके, क्योंकि उसका कोई बिजनेस ज़्यादा बड़ा वाला नहीं था. देखिए, नाइन्थ वाला जो है हमने ये पढ़ लिया था कि जो शेख उस बच्चे को जो उस मैजिक वाटरफॉल से मिला था, जिसको वह घर लेके आया था, उसके पिताजी को पिलाया. एक लेडीज़ उनके घर में आती है और उनके पिताजी से सामान्य सी बातचीत होती है, पड़ोसी थी वो, विजिटर थी, और तो उन्होंने ऑफर कर दिया उसको, भाई हमारे पास जो शेक पड़ा उसको एक ग्लास. उसने बड़ी लालच से, अधीरता से उसको पिया, यानी और ज़्यादा लेने की इच्छा, ग्रीडली भाव से उसको पिया. इतने में तारो वहाँ आकर के वो मैजिक स्टोरी उसको बता देता है, तो वो पूरी गांव में आग की तरह उसको फैला देती है कि उनके घर में एक बच्चे को इस तरीके से मैजिक एक वाटरफॉल है, उससे जो पानी की जगह शेक मिलता है. तो दूसरे दिन सारे लोग उनके घर पे आने लग गए इस बात को टेस्ट करने के लिए कि वास्तव में मिल रहा है. तो सब ने आकर के पिया, तो वो एक घंटे में जो घड़ा था वो खाली हो गया, जो पिक्चर वो घड़ा जो था वो खाली हो गया. और उसके बाद नेक्स्ट सुबह जब वह जंगल के लिए जाता है तो उस समय क्या होता है, देखिए. नेक्स्ट मॉर्निंग हम 10वां नंबर का जो पैराग्राफ है वो पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट यानी अगली मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह. जो बातचीत चल रही थी उससे अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो स्टार्टेड. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड, अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर, फॉर वर्क इवन अर्लियर. अर्लियर, अर्लियर यानी और भी जल्दी. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया. फॉर वर्क इवन अर्लियर, जितनी जल्दी सुबह वो जाता था उससे भी उसने जल्दी जाने का प्रयास किया. स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, देन द मॉर्निंग, देन द मॉर्निंग बिफोर. यानी वो सुबह जितनी जल्दी जाता था उसकी तुलना में वह और जल्दी काम के लिए निकल गया, मेहनत करने के लिए निकल गया. ही कैरीड विथ हिम, वह अपने साथ क्या लेकर लेके गया, ही यानी वह कैरीड लेकर गया, ही कैरीड विथ हिम, ही कैरीड विथ हिम, वह अपने साथ लेके गया. ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े वाला, लार्जेस्ट पिक्चर, लार्जेस्ट पिक्चर यानी अपने घर के अंदर जो उसके पास सबसे बड़ा जो घड़ा था. विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, सबसे बड़े वाला जो घड़ा था वो लेकर के वो चला जाता है. पिक्चर ही ओवन, ही ओवन फॉर, ही ओवन फॉर, ओवन यानी स्वयं के लिए, ही ओवन फॉर, उन्होंने अपने स्वयं के लिए ही ओवन फॉर, फॉर द इंटेंडेंट, ही ओवन फॉर
He owned for he intended for he intended intended ने ध्यान दिया फॉर ही इंटेंडेंट पहले ध्यान दिया फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टू गो टू द वॉटरफॉल कि वो सबसे पहले झरने पे जाएगा इंटेंडेंट टू गो टू द वॉटरफॉल। अब वो वहां जाएगा तो उसे क्या दृश्य दिखाई देता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उसने देखा क्या देखा When he reached, जब वह पहुंचा when he reached it, he found two, उसने पाया क्या पाया वहां पर he found two, उसने पाया his great surprise। तो उसने वहां पर बड़ा आश्चर्य को पाया ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज उसको बड़ा आश्चर्य हुआ टू ऑल हिज नेबर्स क्या आश्चर्य हुआ टू ऑल His neighbors, to all his neighbors, उसके सारे पड़ोसी to all his neighbors, उसको आश्चर्य इस बात का हुआ He found to his great surprise to all his neighbors, उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सारे के सारे जो पड़ोसी थे देर वहां पर जो neighbors देर वो सारे वहां इकट्ठा थे वो सेब को प्राप्त करना चाहते थे जो सेब उसे मिला हुआ था जो उसके घर पे वो लोग देख करके आए थे देवर कैरिंग पिक्चर्स उन्होंने क्या लिया ले रखा था they were carrying pictures यानी उन्होंने अपने बड़े बड़े घड़े मटके जो थे वो ले रखे थे carrying pictures jars and buckets कईयों ने बर्तन ले रखे थे jars and buckets कईयों ने बाल्टियां ले रखी थी जिनके घर में जो भी बड़ा बर्तन था जिसको एक आदमी ला सकता है चाहे वो घड़ा हो चाहे वो जार हो चाहे वो बकेट्स यानी बाल्टियां हो वो सारे उन्होंने ले रखे थे देवर कैरिंग पिचर्स जार्स एंड बकेट्स जो बाल्टियां वगैरह जो थी वो सब उन्होंने ले रखा था एनीथिंग दे कुड फाइंड या उनको घर पे जो कुछ भी मिला एनीथिंग दे कुड फाइंड जो कुछ भी उन्हें घर पे मिला एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक अर्थात उस मैजिक सेक को प्राप्त करने के लिए उसको लाने के लिए उसको होल्ड करने के लिए उसको लाने के लिए जो कुछ भी बर्तन मिला जार मिला बकेट्स बाल्टियां मिली घड़े मिले जो उनके घर में उपलब्ध था वो सारे लेकर के आ गए ताकि क्या करेंगे उस झरने से उस सेक को प्राप्त कर लेंगे। देन वन विलेजर नेल्ट देन Then one villager
देन वन विलेजर नेल्ट, नेल्ट यानी घुटने पर बैठना, देन वन विलेजर नेल्ट यानी एक व्यक्ति अपने घुटनों पर बैठा, देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ एंड हेल्ड हिज माउथ, और अपने मुंह को उस पानी को पीने की तरह से होल्ड किया है, एंड हेल्ड हिज माउथ अपने मुंह को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, अंडर द वॉटरफॉल हेल्ड हिज माउथ अंडर द वॉटरफॉल, उस अपने मुंह को पानी पीने की तरह उस झरने की तरफ फैलाया, नेट यानी घुटनों पर बैठा एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, और अपने मुंह को झरने के नीचे किया यानी पानी पीने की स्थिति, जिसमें से हम झुक के पानी वगैरह पी लेते हैं उस तरीके से, उसने अपने मुंह को आगे बढ़ाया वाटरफॉल टू ड्रिंक उसको पीने के लिए, कि ये जो पानी जो बह रहा है एक्चुअली में ये पानी है या जो सेक है, उसको टेस्ट करने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया कि पहले इसको चेक तो कर ले, कहीं ऐसे हम अपने घड़े जार और बर्तन और घर ले जाके चेक करें और पता चले कि ये तो पानी है, तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पानी पीने का प्रयास किया, and then shouted और चिल्लाया, and then shouted angrily क्रोध से चिल्लाया, and then shouted angrily और क्रोध से चिल्लाया water nothing but water, water पानी है ये तो, water है नहीं पानी, nothing but water पानी के अलावा कुछ नहीं, nothing but water ये तो केवल पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है, water nothing but water पानी के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद अदर्स आल्सो ट्राइड, उसे एक बार ही बिलीव नहीं कर सकते, अदर्स आल्सो ट्राइड दूसरों ने भी कोशिश करी, बट देयर वाज नो सेक, बट देयर वाज नो सेक लेकिन वहां पर किसी को भी सेक नहीं मिला, only cold water केवल ठंडा पानी, only cold water केवल ठंडा पानी है उन लोगों को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार तारो जो है उसका जो ये चैप्टर था इसको हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, देखिए मॉर्निंग यानी सुबह होती है, नेक्स्ट यानी अगली, स्टार्टेड यानी शुरू होता है, वर्क यानी काम होता है, इवन यानी रोज की तरह, अर्लियर यानी हमेशा की तरह, अर्लियर यानी जल्दी, देन द मॉर्निंग बिफोर कि रोज जितनी सुबह वो जाता था उससे भी जल्दी उसने काम शुरू किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड वर्क, अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, रोज जो सुबह जितनी बजे वो जाता था उससे भी जल्दी वह काम पर गया। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर, वह अपने साथ एक बड़ा सा घड़ा ले गया। ही ओवन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट, और इंटेंडेड यानी ध्यान आया, उसने सोचा, उसने विचार किया सबसे पहले, इंटेंडेड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू वॉटरफॉल, सबसे पहले उसने विचार किया कि वो झरने पे जाएगा, वाटर मैजिक वाला जो झरना था उस पे, वहां से सेक प्राप्त करेगा, फिर अपने पास रखेगा, काम करेगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको पी लेगा, इस तरह। When he reached it, जब वह वहां पर पहुंचा, when he reached it, जब वह उसके झरने पर पहुंचा, he found to his great surprise to all his neighbors
देन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके सारे पड़ोसी वहां थे। यानी ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज टू ऑल हिज नेबर्स देयर, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके सारे पड़ोसी वहां पर थे। दे वर कैरिंग पिचर, उन्होंने घड़े ले रखे थे, जार बर्तन ले रखे थे, बकेट्स बाल्टियां ले रखी थी, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक से, उन्हें घर में जो कुछ भी उस मैजिक जादुई सेक को प्राप्त करने के लिए जो जार मिला, जो बकेट्स मिली, जो पिचर मिला, जो कुछ भी उन्हें प्राप्त था अपने घर में, वो सारे बर्तन लेकर के वहां पहुंच चुके थे। देन वन विलेजर, तभी एक गांव वाला, देन वन विलेजर एक गांव वाला, देन वन विलेजर नेल्ड, नेल्ड यानी अपने घुटने पे बैठना, वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड टू हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उस झरने के पानी के नीचे अपना मुंह रखता है पानी को पीने के लिए, देखता है कि वास्तविकता में ये सेक है या पानी। देन वन विलेजर, तभी विलेजर यानी गांव वाला नेल्ड यानी घुटने पर बैठता है, एंड हेल्ड यानी अपने मुंह को उसकी तरफ ले जाता है, हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और पानी के नीचे अपने मुंह को ले जाता ताकि वो पानी पी सके, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पानी पिया, एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और बड़े गुस्से से चिल्लाया जब वो बार बार उस पानी को पीने का प्रयास किया, क्या पता हमारा स्वाद हमें महसूस नहीं हो रहा, एंग्रीली शाउटेड, साउटेड एंग्रीली, क्रोध उससे चिल्लाया, गुस्से से चिल्लाया, वाटर पानी है यहाँ तो, नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस झरने में पानी है, यहाँ कोई सेक नहीं है। अदर्स दूसरों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, कहीं ये 420 कर रहा हो, 420 कर रहा हो, हम सबको यहाँ से भेज दे और उनको सेक मिल जाए तो ये खुद अकेला ही ले जाना चाहिए, उनमें लालच आ जाए। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, सब दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी कोशिश करी, बट देर वॉज नो सेक, लेकिन वहाँ किसी को कोई सेक प्राप्त नहीं हुआ, ओनली कोल्ड वाटर, केवल और केवल ठंडा पानी है वो उन्हें प्राप्त हुआ, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी उनको प्राप्त हुआ। अब देखिए ये जो मैंने ये पैरा आपको पढ़ाया टेंथ वाला, मैं आपको इसके कुछ मीनिंग्स हैं वो अभी लिखवाऊंगा, तो ये आपको मैंने बता दिया, इसके बाद आप एक बार इसको होल्ड करते हैं और इसमें मीनिंग्स लिखते हैं आपके लिए, हम कुछ इसके मीनिंग्स जो हैं वो देख लेते हैं। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा, पैराग्राफ जो स्टडी किया, उसके अंदर आने वाले कुछ जैसे अपने मीनिंग आया इंटेंडेड, इंटेंडेड यानी होता है चाना, इंटेंड यानी चाना, उसका ध्यान जा रहा था कि पहले मुझे क्या करना है, आई इन्वेंटेड, उसने कहा कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, झरने पर जाऊँगा, तो वो चाहता था पहले, उसने वहाँ चाहा, इंटेंड करना चाहा, यानी ध्यान देना, चाहना या ध्यान देना, उसने इंटेंड किया, उसने ध्यान दिया कि मुझे पहले वहाँ जाना है। अगली हमारे लिए इसलिए थोड़ी सी रीच्ड, REACHD रीच्ड यानी पहुँचा, रीच्ड यानी पहुंचा, जब वह वहां पर पहुंचा, रीच सेकंड फॉर्म में इसलिए पहुंचा हो गया, रीच होता तो पहुंचना हो जाता। इस तरीके से मैजिक, और मैजिक का मतलब होता है जादू, जादुई या जादू, जादुई या जादू। नेल्ट, KNELT नेल्ट यानी घुटनों पर, घुटनों पर बैठना, नेल्ट यानी घुटनों पर बैठना, नेल्ट यानी घुटनों पर बैठना। उसके बाद अगली इसमें पैराग्राफ में मीनिंग आ सकती है हमारे लिए एंग्रीली, ANGRILY एंग्रीली, एंग्रीली यानी क्रोध से, एंग्रीली यानी क्रोध से, गुस्से से, क्रोध से या गुस्से से। फिर हमारे पास इसमें और मीनिंग देखो आ सकती है, साउटेड हो सकता है, एंग्रीली साउटेड, SHOUTED साउटेड यानी चिल्लाया, साउटेड यानी चिल्लाया। इसके अलावा हमारे पास वाटरफॉल झरना, वाटरफॉल
झरना, और इसमें हमारे लिए मीनिंग आ सकती है जो बस इम्पोर्टेंट मीनिंग्स यही जो हैं आप याद कर सकते हैं। ये कुछ मीनिंग्स हैं जो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है एज ए होमवर्क एंड लर्न इट, एज होमवर्क एंड लर्न इट। आप इसको एज ए होमवर्क के रूप में अपने नोटबुक में भी करेंगे और इसको याद भी करना है। थैंक यू वेरी मच।